अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग दाल के पकोड़े। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। तो इसको 3 से 4 घंटे हो चुके हुए हैं। अगर आपको सुबह बनानी है तो आप रात को भी इसको भिगो के रख सकते हैं। इसको करेंगे हम ब्लेंड पानी डाल के थोड़ा सा। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी ड्राई मसाले वो ये हैं। यहाँ पे पहले मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर, ग्रीन चिल्ली मैं लूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ले रही हूँ 1 कप मूंग की दाल। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप चिलीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये लिया है बेकिंग पाउडर, अजवाइन ली है मैंने यहाँ पे, शाह ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, आप दूसरा ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैं शाह ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, रेड चिलीज, नमक जाएगा इसके अंदर और ये गरम मसाला। पानी चाहिए होगा इसका पेस्ट बनाने के लिए, थिक सा पेस्ट इसका बनाएंगे पकौड़े बनाने के लिए। ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे। ऑयल चाहिए होगा हमें फ्राइंग के लिए। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल को ब्लेंड करेंगे। ये सारी की सारी दाल जो है मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। और इस दाल के साथ ही जो ग्रीन चिली है वो भी मैं इसके साथ डाल के ब्लेंड कर लूंगी। पानी हमने इसके अंदर ज्यादा नहीं डाल के इसको ब्लेंड करना, थिक सा पेस्ट बनाना है हमने। दाल मैंने इसके अंदर डाल दी सारी। अब मैं ये ग्रीन चिली भी इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं पानी लूंगी इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया है, इसका थिक सा पेस्ट बना लिया है। अब एक बड़े से बाउल में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। दाल का मैंने ये देखें इतना थिक पेस्ट बनाया है, बिल्कुल भी पत्ती नहीं है दाल, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला था। अब बाकी चीजें इसके अंदर डालते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला, नमक, सुर्ख मिर्च, शाह जीरा, अजवाइन और बेकिंग पाउडर, ये सब डाल देंगे इसके अंदर। इन सारे मसालों के साथ इसको कर लेंगे मिक्स। इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इधर मैंने ले लिया है एक पैन, ऑयल इसके अंदर मैंने डाल लिया है, फ्लेम कर लेंगे ऑन, स्टोव ऑन कर लिया है मैंने। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। बिल्कुल पकौड़ों की तरह हमने इसको फ्राई करना है, स्पून के साथ डालते जाएं, जितने साइज के आपको इसका पकौड़े का साइज चाहिए उसके हिसाब से। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं हमने इसको कुक करना है, मीडियम पे पकाना है, नहीं तो अंदर से ये सारी पकौड़े जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे, दाल अच्छी तरह से कुक नहीं होगी अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है, तो इस तरह से मैं स्पून लूंगी भर के, जितना साइज का हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको बना लें। लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे।
पकौड़ों की पहली साइड पे कलर आ चुका होगा, अब इसकी दूसरी साइड से इसको चेंज कर देंगे। जितना कलर इसको आप देना चाहते हैं उतना इसको आप ब्राउन कर लें, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए तो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके होंगे। पकौड़ों पे अच्छा सा कलर आ चुका हुआ है, इससे ज़्यादा मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी और इसको निकाल लेंगे। दूसरे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसकी भी हम साइड चेंज कर देंगे। आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, इसको ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा कलर देना है। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी। स्टोव कर देंगे बंद, ये हो चुका है रेडी। मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मूंग दाल के पकौड़े मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये कितनी जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी थी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी तरह से आप इसको बनाएं चटनी रायते के साथ, आप इसको सर्व करें, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं इसको आप, और ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपको ये मेरी इजी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वेबसाइट को विज़िट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।